for your practical. Practical exam can be in writer. You can have your poster. You can have your simple document for typing with pictures. You can have tables. ठीक है, whatever information, whatever is there, आपको वो सारी चीजें करनी है and within the time. Okay. I hope all of you know how to create tables and how to apply backgrounds and merge. A few options जो आपको अभी मैंने बतानी है. वन इज आपके पास यहाँ पे गैलरी खुली होती है समटाइम्स. ठीक है, गैलरी इज देयर. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द बैकग्राउंड्स बाय यूजिंग दिस गैलरी. हाउ? यू कैन राइट क्लिक ऑन एनी बैकग्राउंड ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन इट, इंसर्ट ऑप्शन इज देयर. साइड बाय साइड करके देखो. स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ऑनलाइन, प्लीज डू द वर्क साइड बाय साइड एंड शेयर योर स्क्रीन. एवरीवन राइट क्लिक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे जाओ पहले. ठीक है, राइट क्लिक, इंसर्ट बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में यू विल गेट द ऑप्शन फॉर पेज और पैराग्राफ, पेज और पैराग्राफ. अगर आपको एक पैराग्राफ के पीछे करना है, जैसे टाइपिंग करने के बाद वन पैराग्राफ यू वांट टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई एट द बैकग्राउंड ऑफ वन पैराग्राफ एंड देन यू कैन गो टू द बैकग्राउंड पेज. इट विल अप्लाई टू द होल पेज. ठीक है, डू इट साइड बाय साइड एवरीवन एंड शेयर योर स्क्रीन व्हेन आई आस्क यू टू शेयर इट. नाउ इंसर्ट, ऊपर हेडिंग लिखो सेल्स रिपोर्ट. राइट द हेडिंग सेल्स रिपोर्ट. Give the name of company. Give second line में लिखो sales report and then insert a table. To insert table, click on insert menu, table option, or you can press the shortcut key control plus F12. Give the number of columns. I'm going to give it 6. Robinson Sports. You can select it. Give any name of the company. Size. Center. Bold. Or underline. Anji. Kar sakte hain. Kar sakte hain. And mind it, a header footer in Impress, header footer in Writer. ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन होगी इंस्ट्रक्शन में, अगर होगा तो करना है. गिव इट कलर, चेंज द फॉन्ट कलर. नाउ क्लिक ऑन एनी सेल इन द गैलरी. यू आर वन ऑप्शन इज देयर कि यू कैन फिल द कलर्स बाय यूजिंग द टेबल प्रॉपर्टीज टूल बार. सेकेंड ऑप्शन इज इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई एनी बैकग्राउंड टेक्सचर, यहां से अप्लाई करना है, यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट, इंसर्ट बैकग्राउंड. नाउ यू विल हैव मोर ऑप्शन बिकॉज वी आर कर्सर इज इन टेबल. यू कैन हैव मोर ऑप्शन लाइक बैकग्राउंड एट द पिक्चर है दैट शुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ टेबल, टेबल रो और ओनली वन सेल. ठीक है, अगर आपको पूरे टेबल के पीछे करना है टेबल पे क्लिक करोगे, टेबल पे करना है सिर्फ हेडिंग वाली रो पे करना है तो टेबल रो, एंड टेबल सेल करना है तो टेबल सेल फॉर वन सेल. योर कर्सर इज इन वन सेल, यू कैन सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड, इंसर्ट बैकग्राउंड टेबल रो. ठीक है, नाउ टाइप द हेडिंग्स. सपोज मेरा हेडिंग है सेल्समैन नंबर, सेल्समैन नेम, चेंज द फॉन्ट कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड. अभी पोर्ट्रेट ये मैंने लैंडस्केप नहीं किया. 6 कॉलम्स आर देयर.
I click insert background. Ma'am, how many rows are there? Yes, Dhiren, east, west, south, and north. Okay, I had given the headings. I'm making it center. क्लियर है यहाँ तक बन गया सबका. क्लिक ऑन एनी सेल. फर्स्ट रो में करना तो गो टू द गैलरी. राइट क्लिक ऑन एनी इमेज. चूज इंसर्ट. अप्लाई एनी अदर. बैकग्राउंड. अब कोई और अप्लाई कर लो. रिमूव नहीं होगा इसे. अंडू कर लो. हाँ जी यहां तक हो गया सबका. नाउ यू कैन ऑल्सो मेक इट वर्टिकल. बेटा जो भी आप प्रैक्टिकल करोगे पीडीएफ फाइल बना के भेजोगे. पीडीएफ फाइल बनानी आती है सबको राइटर में और इम्प्रेस में भी. फाइल मेन्यू दोनों में सेम मेथड होगा. फाइल मेन्यू एक्सपोर्ट एज पीडीएफ. This option is available in Impress also. Export as PDF. And mind it, आपकी formatting और आपका content that will be important in for your exam. ठीक है? Okay, यहाँ तक हो गया सबका. Shall I move forward? WhatsApp पे. Enter the salesman number, name, sales values. मैम ये लैंडस्केप मोड में है या पोर्ट्रेट मोड में? प्रेजेंटली इट इज आई एम वर्किंग इन पोर्ट्रेट मोड. यू कैन चेंज इट इन लैंडस्केप मोड इफ द इंस्ट्रक्शन इज गिवन. नाउ इज इट विजिबल लक्ष्य? ओके इफ द इंस्ट्रक्शन इज देयर यू कैन चेंज इट इन लैंडस्केप मोड. How you can change, but how will you change the mode? Format, page option, and in page or dialog box, page, orientation, landscape, and then click on OK. Now it is in landscape form. Now you can see it is in landscape form now. ठीक है? Again format menu, page. In the page style dialog box, choose the page tab. Click on portrait or landscape. Click on OK. Clear? Okay, if you want to merge the cell, if you want to insert a new row at the top, मुझे row insert करनी है, which method I should use? Okay, right click. Column नहीं करनी है, row insert. ठीक है? Then there is an option after or before or numbers. कितनी करनी है? Before one, click on ओके. और यू कैन हैव अदर मेथड. दूसरा मेथड क्या है? यहाँ पे टेबल टूल बार इंसर्ट रोज ऑप्शन. टेबल टूल बार इंसर्ट रोज ऑप्शन. न्यू रो विल बी इंसर्टेड. एंड इफ यू वांट टू डिलीट इट क्या करेंगे? इफ यू वांट टू डिलीट इट सेलेक्ट डिलीट रो ऑप्शन ऑन द टेबल टूल बार और राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रो. रो डिलीट. क्लियर?
ओके हाँ जी हाँ एनी वैल्यूज यू कैन हैव एनी वैल्यूज यस ओके नाउ इन द फर्स्ट रो मैंने अभी इंसर्ट किया न्यू एंटर द वैल्यू आई एम फिलिंग द कलर हियर सेलेक्टेड फिल एनी कलर ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू गिव डेट एनीथिंग I am giving date. It could be any heading for the report. It could be any text. Now, how to merge the cells? I want to have it in the center of table. How to merge the cell? What is the step to merging cell? Yes, anyone online? Ikjot, Aryan. Ma'am, on the table toolbar, the merge cell option is there. मैंने आपसे नहीं पूछा. ओके एनीवन सुमति कृति परमीत यस राघव सेलेक्ट द सेल्स नाउ गो टू टेबल्स टूल बार यू विल हैव द मर्ज सेल ऑप्शन और यू कैन राइट क्लिक चूज द मर्ज सेल ऑप्शन और यू कैन हैव द टेबल मेन्यू merge cells option now values cell is merged value is in the center excuse me ma'am yes ma'am please repeat ma'am wo merge cell ka ek baar dobara step batana kaun se step beta merge cell ke yes ma'am beta select the cells that you want to unmute yourself unmute yourself select the cells that you want to merge click on merge cell option click on merge cell option on the table toolbar or you can have table menu table option merge cell option table menu merge cell option merge ho gaya sabka kyun nahi hua kya nahi aaya रो इंसर्ट करिए पुट योर कर्सर इन द फर्स्ट रो देन गो टू इंसर्ट रो ऑप्शन इन द टेबल टूल बार लुक हियर इंसर्ट रोज ऑप्शन इन द टेबल टूल बार सिंपलेस्ट मेथड है अदरवाइज राइट क्लिक ऑन द रो चूज इंसर्ट चूज रोज देन इंसर्ट कॉलम्स वाली आ रही है मतलब बेटा उसके बाद मर्ज किया मैंने पहले रो तो वैसे ही आएगी इन योर फर्स्ट रो जहां इंसर्ट करना उसके वहीं उसी रो में हां जी यस आदित्य हो गया सिमरन राघव आर यू डन मितांश हो गया बेटा Anybody who can share the screen to show me the work ki kya kiya aapne Anyone who wants to share the screen Yes Yes Dhiren I'm
कमिंग आई एम कमिंग कर्सर वहां नहीं रखो ओके हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इंसर्ट मेन्यू हेडर ऑप्शन नाउ ठीक है नाउ इंसर्ट मेन्यू नहीं सॉरी फील्ड ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू फील्ड्स इफ यू वांट टू इंसर्ट डेट टाइम पेज नंबर और पेज काउंट इफ यू वांट टू इंसर्ट पेज नंबर यू कैन क्लिक ऑन पेज नंबर इफ यू वांट टू इंसर्ट टोटल नंबर ऑफ पेजेस यू कैन इंसर्ट पेज काउंट और इफ यू वांट टू इंसर्ट डेट यू कैन क्लिक ऑन डेट बट इफ यू वांट टू इंसर्ट सिंपल टेक्स्ट यू कैन हैव टाइप द टेक्स्ट बाय यूजिंग द कर्सर I'm coming. Anji, this is the header. If you go to the next page, what is the shortcut key to insert a new blank page? I told you. Control plus enter. Control plus enter for inserting blank page, new page. Now you can see on the second page also there is a header. Header aa raha hai because I had inserted the header. Now I inserted a new page. There is also a header. If I do it in the center, it will go. If I highlight it, it will be on all the pages. Whatever options I will apply, that will apply to all the pages, all the headers. Clear? Header clear hai? In the similar way, you can insert footer also. In the similar way, you can insert footer. Yes, anyone who wants, Adhiren, share karo apni screen. Ma'am, option nahi aa raha. धीरेन नहीं आई ऑप्शन शेयर की मैम आपने की हुई है इसलिए नहीं आ रही ओके ओनली वन नाउ अब देखो आ रही है मैम आई शेयर्ड माय स्क्रीन किसी को कोई डाउट है टेबल में हेडर फुटर में मैम आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन इज इट ओके विजिबल नहीं हुआ मुझे बेटा ओके नाउ शेयर अब शेयर करो फॉन्ट साइज बड़ा कर लो जूम बड़ा जूम करके देखो इधर इंक्रीज द फॉन्ट साइज
हेडर में टेक्स्ट टाइप करना है, करो करो कर्सर आएगा, आ रही हूँ मैं। मैम नाउ इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल। सेल्स रिपोर्ट आपने जो लिखा है इज इट हेडर? नो मैम इट्स प्लेन टेक्स्ट। ओके इंसर्ट हेडर। ओके हेडर में टाइप करो प्रैक्टिकल फाइल, फुटर में इंसर्ट पेज नंबर। एवरीवन डू इट। हेडर में इंसर्ट करो प्रैक्टिकल फाइल टेक्स्ट, फुटर में इंसर्ट करो पेज नंबर्स, इंसर्ट पेज नंबर्स इन द फुटर एंड इंसर्ट टेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल इन हेडर। हाँ जी इंसर्ट माय न्यू हेडर। मितांश हैड यू डन? आपके पास राइटर नहीं है अभी भी है? ओके हाँ जी आई एम डन। ओके शेयर इट। Am I is it visible? Yes, is it visible now? Footer. Yes. Okay. 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 Anybody else who had done? Online. Anybody else who wants to share? Listen, Evanshika. Insert menu. Header option. डिफॉल्ट ठीक है मेरा ऑलरेडी इंसर्ट है दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग मी कि इट इज यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू डिलीट द टेक्स्ट ठीक है टाइप द टेक्स्ट इफ यू वांट टू इंसर्ट फुटर क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू फुटर ऑप्शन डिफॉल्ट नाउ योर कर्सर अपीयर्स एट द फुटर ठीक है नाउ आई वांट टू इंसर्ट पेज नंबर क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू फील्ड्स पेज नंबर तो पेज नंबर विल बी इंसर्टेड पेज काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ पेजेस जैसे मेरे अभी टू पेजेस हैं इफ आई इंसर्ट काउंट तो इट विल इंसर्ट टू जब पेज काउंट अगर 5 हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट इट 5 लिसन मैंने यहाँ कर्सर रखा है आई पुट अ स्लैश लिसन हियर आई गिव अ स्लैश ये देखो पेज नंबर इंसर्ट किया है मैंने स्लैश डाला है फॉरवर्ड स्लैश टाइप किया है नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट फील्ड्स पेज काउंट अब क्या आ गया 1 of 2 यानी टोटल नंबर ऑफ 2 है कर्सर इज ऑन फर्स्ट पेज दिस इज योर फर्स्ट पेज यू कैन टाइप इट हियर एज पेज 1 of 2 ऐसे नाउ गो टू द सेकंड पेज यू विल सी पेज 2 of 2 इफ आई इंसर्ट मोर पेजेस तो इट विल बी 3 automatically I press control enter to insert new page now see in the footer 3 of 3 now it is 2 of 3 1 of 3 insert footer default footer pe cursor aayega now again click on insert fields page number ठीक है
नाउ देखो मेरा कर्सर फुटर पे है, मैंने बोला बैकग्राउंड फुटर, नंबर ऑफ पेजेस है, पहले इंसर्ट पेज नंबर फॉरवर्ड स्लैश डाल के पेज काउंट, इंसर्ट फील्ड्स पेज काउंट, पहले फुटर इंसर्ट किया, हेडर में भी आएगा, अगर पेज नंबर हेडर में लेना है तो आप हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हो पेज नंबर, आप हाँ दिस हेडर फुटर इज एन इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन ऑल द पेजेस, ठीक है, क्लियर है, हेडर फुटर क्लियर है सबको, बिकॉज ऑलरेडी इंसर्टेड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट कर दो, नहीं तो न्यू इंसर्ट कर लो, नो कर दो, पूरा टेक्स्ट नहीं डिलीट होगा, सिर्फ हेडर फुटर की इंफॉर्मेशन डिलीट होगी, यस एनीवन ऑनलाइन, हाँ जी एनी डाउट ऑनलाइन एनी डाउट फाइल मेन्यू एक्सपोर्ट एज पीडीएफ फाइल मेन्यू एक्सपोर्ट एज पीडीएफ क्लिक ऑन एक्सपोर्ट गिव नेम टू द फाइल गिव लोकेशन क्लिक ऑन सेव ठीक है एक्सपोर्ट पीडीएफ ये देखो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ चेक करो भी तो नहीं हिलो वैसे आपके सामने है दिव्यांशी क्लियर एक्सक्यूज मी मैम यस मैम मैं कल से ना पीडीएफ बना कल से मैम 3-4 बारी बना बैठा फाइल मैम पहले तो उड़ी मतलब ऐसे ही मतलब सारा मतलब उड़ी जाए फिर मैम जब मैंने एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट भी ना हो रहा मैम ये कैसे हो रहा है क्या मतलब हो रहा है सामने देखो मैंने अभी करके दिखाया आपको मैम जैसे मैम वो मैम जैसे लैपटॉप में किया फिर उसे मोबाइल में ऐसे भेजना होता है उस वो हो ही नहीं रहा किसी भी तरह मैंने बहुत कोशिश की है आदित्य ये देखो फाइल मेन्यू एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑल पेजेस जेपीजी कंप्रेशन लॉस कोई ऑप्शन आपको नहीं करनी है यहां पे क्रिएट पीडीएफ फॉर्मेट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट गिव अ नेम टू द फाइल गिव लोकेशन सेव
ठीक है. नाउ ओपन और व्हाट्सएप ऑन योर सिस्टम डिवाइस पे व्हाट्सएप ओपन करो और वहीं से इसको फाइल को सेंड कर दो. एक्सक्यूज मैम. यस मैम, जो इम्प्रेस है ना उसमें ओवर मोड में वो जाके चला गया और वो इंसर्ट मोड में नहीं आ रहा. अच्छा बेटा, कीबोर्ड पे इंसर्ट की, कीबोर्ड पे इंसर्ट की ऑन ऑफ करके देखो, ऑफ करो. वो ट्राई किया तो उससे नहीं हो रहा. वही ऑप्शन है ओवर और ओवर टाइप और इंसर्ट की ऑप्शन इंसर्ट की पर ही होती है. जैसे अभी भी ये देखो इंसर्ट ऑप्शन नीचे आ रही है स्टैंडर्ड टूल बार स्टेटस बार पे. अगर मैं इंसर्ट की ऑफ करूंगी तो यहाँ पे ओवर आ जाएगा. ये देखो ओवर हो गया. क्लिक करके देखो यहाँ पे, ये क्लिक करके भी हो रहा है चेंज. मैम इम्प्रेस में ये नहीं आता, ये राइटर में है तो इम्प्रेस में नहीं आ रहा वो, ये इंसर्ट या ओवर बटन. हाँ